रूस की राजधानी मॉस्को में किसने किया हमला, आतंकी हमले में कितने लोगों की हुई मौत, मॉस्को हमले की किसने ली जिम्मेदारी, मॉस्को अटैक पर अमेरिका ने क्या कहा, अब तक कितने आतंकी मारे गए, इन सभी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप नाइन। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में अचानक फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी हमले में 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हमले में 160 से अधिक लोग घायल हैं। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में कंसर्ट चल रहा था। हॉल में 6000 से अधिक लोग मौजूद थे। तभी 5 आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोगों ने ग्रेनेड से भी हमला किया। अचानक फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आतंकी संगठन ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली। मॉस्को के अटैक के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में बड़े तीनों सेना के प्रमुख, कई सैन्य कमांडर, रूस की स्पेशल फोर्स मौजूद रहे। पुतिन ने आतंकी हमले की जांच के आदेश दिए। हमले के बाद मॉस्को में वॉर इमरजेंसी घोषित है। मॉस्को हमले पर ISIS ने सनसनीखेज दावा किया। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है कि हमले के बाद ISIS ने कहा कि क्रोकस हॉल में हमले का मकसद पूरा हुआ, सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतारा। दावा है कि आतंकवादी सेना जैसी वर्दी पहनकर हॉल में घुसे थे और हमले को अंजाम दिया। रूसी जांच एजेंसी ने मॉस्को अटैक को लेकर बड़ा खुलासा किया। दावा है कि आतंकियों ने क्रोकस सिटी हॉल में हमले के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। आतंकियों ने मॉल में आग लगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों ने 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हमले के 4 संदिग्धों की तस्वीर जारी की है। मॉस्को हमले में शामिल आतंकियों को रूसी सेना ने पकड़ा। रूसी सुरक्षा बलों ने यूक्रेनी बॉर्डर के पास पकड़ा। दावा है कि ब्रयांस के रास्ते सफेद कार से 4 आतंकी भाग रहे थे। सुरक्षा बलों ने कार को रोका तो आतंकियों ने फायरिंग की। 2 आतंकी पकड़े गए जबकि 2 आतंकी जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहे। मॉस्को आतंकी हमले पर अमेरिका ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी दूतावास ने रूस को पहले ही आतंकी हमले की चेतावनी दी थी। मॉस्को में ISIS के हमले की चेतावनी दी थी। म्यूजिक कॉन्सर्ट या भीड़भाड़ वाले इलाके में हमले की आशंका जताई थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन से हमले किए। रूस ने यूक्रेनी कब्जे वाले क्रिमिया, कुर्स्क और केप इलाके में 34 शाही ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने 31 रूसी ड्रोन को मार गिराया जबकि 3 ड्रोन ने टारगेट को हिट किया जिससे काफी नुकसान हुआ। रूस ने यूक्रेन की सीमावर्ती इलाके में हमले तेज कर दिए। रूस की सेना ने यूक्रेन के सूमी में ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने सिविलियन इलाके को निशाना बनाया। रूसी हमले में 1 सिविलियन की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और कई इमारतें भी तबाह हो गई। यूक्रेन के किस इलाके में रूस ने की भीषण बमबारी, रूसी क्रूज मिसाइल से यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, मेदवेदेव ने यूक्रेन को क्यों दी धमकी, खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप नाइन। मॉस्को अटैक के बाद पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को चेतावनी दी। मेदवेदेव ने कहा कि मॉस्को अटैक में अगर कीव का हाथ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, हमले के दोषियों को ढूंढ कर मारेंगे, अपने लोगों की मौत का बदला लेकर रहेंगे। रूस ने यूक्रेन के ज़ेपोरिज़्या में भीषण हमला किया। रूसी सेना ने निप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को टारगेट किया। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी पावर प्लांट में आग लग गई। हमले से प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा। वहां की गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। हमले में कई लोग घायल हुए। रूस के समारा ओब्लास्ट में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी सेना ने समारा में तेल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद रूसी रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। रूस के बेलगरोद में यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया। यूक्रेन ने बेलगरोद के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया लेकिन बेलगरोद की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी मिसाइल को तबाह कर दिया। मिसाइल नष्ट होने के बाद उसके टुकड़े पूरे शहर में फैल गए और उसमें धुआं निकलता दिखा। रूस ने यूक्रेनी डैम पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूसी क्रूज मिसाइल हमले से डैम को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली है लेकिन ये बांध 1 ट्रिलियन गैलन पानी को रोकता है। अगर डैम टूट जाता तो यूक्रेन का कई हिस्सा पानी में डूब जाता। यूक्रेन ने बेलगरोद के अलावा रूस के ब्रयांस्क पर भी हमला किया। यूक्रेन ने ब्रयांस्क में बैक टू बैक दर्जनों रॉकेट से अटैक किया। रूस का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 12 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। ग्लोबल टेंशन के बीच रूस ने अमेरिका को वार्निंग दी। जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद धमकी दी। रूस ने कहा अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो SpaceX पहला टारगेट होगा। इलॉन मस्क का SpaceX अमेरिकी इंटेल एजेंसी के लिए जासूसी सैटेलाइट नेटवर्क बना रही है। रूस के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया। पश्चिम मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को $75 मिलियन की मदद देगा ब्रिटेन, साथ ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस ड्रोन देगा। यूक्रेनी सैन्य सिस्टम को मजबूत करेगा।
वॉर जोन में तैनात यूक्रेनी एमएलआरएस को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। उसी हमले के बाद यूक्रेनी एमएलआरएस पूरी तरह से तबाह हो गया। एमएलआरएस में आग लग गई, धू धू कर जलने लगा। रूस का दावा है कि एमएलआरएस से बेलगोरोद पर हमले किए जा रहे थे।